ग्रामीण और फतवा नगर के हमारे जितने भी बूथ कमेटी के अध्यक्ष लोग हैं, हमारे बूथ कमेटी के मेंबर लोग हैं, उनके साथ अपना पार्टी का कार्यक्रम कैसे आगे चलेगा, पार्टी को कैसे मजबूत करना है, पार्टी को अगर यहाँ टिकट मिलती है तो पार्टी को कैसे हम लोग अपने कैंडिडेट को आगे बढ़ाएंगे, उनको मजबूती प्रदान करेंगे, खासकर किसी के लिए इस इसका आयोजन किया गया है। तो इस बैठक में कितने प्रखंड के लोग शामिल हैं? इसमें पूरे 15 प्रखंड पटना या फतवा ग्रामीण और एक नगर पंचायत फतवा। तो आज की इस बैठक में आपका फोकस किन बिंदुओं पर है, अपने कार्यकर्ताओं को क्या संदेश दे रहे हैं? मेन हमारे कार्यकर्ता के पास मेरा यही संदेश है कि अगर हम लोग की पार्टी को अगर यहाँ पे चुनाव लड़ने का मौका मिलता है और अगर मैं कैंडिडेट बनता हूँ तो खासकर फतवा का विकास का ही एक ही मुद्दा है, जात पात से ऊपर उठ कर करके फतवा का विकास का ही बात करना है और अपने कार्यकर्ताओं को यही संदेश देना है कि आपके गांव में क्या कष्ट है, आपके घर में क्या कष्ट है, आपके गांव में सड़क है कि नहीं, पुल है कि नहीं, स्कूल है कि नहीं, मास्टर आते हैं कि नहीं, राशन कार्ड बनता है कि नहीं, मिलता है कि नहीं, खासकर यहाँ का जो आपका जो फैक्ट्री सब जो बंद है, आइडल पड़ा हुआ है, वो क्यों बंद पड़ा हुआ है, ये सारी मुद्दा हमारे कार्यकर्ताओं के बीच चर्चा का विषय रहेगा और इसी पर हम लोग फोकस करेंगे। हमारी पार्टी भी इसी में हम लोग बिहार को फर्स्ट बनाना है, बिहारी को फर्स्ट बनाना है, आदरणीय चिराग पासवान जी का ये हम लोग से उन्होंने आदेश भी दिया है और इसी कार्यक्रम को हम लोग आगे बढ़ाएंगे भी। चलिए, ये फतवा विधानसभा को फतह करने के लिए आप अपने कार्यकर्ताओं को, अपने वर्करों को क्या कोई ऐसा मंत्र देने वाले हैं जिससे आपकी ये राह आसान हो? जी बिल्कुल, हम लोग का ये मूल मंत्र है कि हम लोग अपने बूथ पर मजबूत हों, जो हमारे वोटर हैं उनको निकाल करके अपने बूथ स्तर तक जा करके वोट दिलवाना, पोल करवाना मेरा कार्यकर्ताओं का पहला उद्देश्य यही रहेगा।